हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं कुछ न्यू मेकअप लॉन्चेस, कुछ न्यू मेकअप के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने रिसेंटली लिए थे, और कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अंडर ₹100 हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस। सो यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आप देख सकते हैं गाइस, इसमें काफ़ी सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने रिसेंटली बाय किए हैं, और इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने बहुत ही रिसेंटली लिए हैं, और मैं उनको आज पहली बार आपके सामने ट्राई करूँगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। बिफोर डूइंग मेकअप आपको हमेशा फॉलो करना है CTM, दैट इज क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सो स्किन केयर इज अ मस्ट बिफोर डूइंग मेकअप। इससे क्या होता है, हमारा स्किन अच्छा रहता है एंड एट द सेम टाइम हमारा मेकअप भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी फ्लॉलेस लगता है। क्लिनजिंग टोनिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है, सो नेक्स्ट स्टेप इज अ मॉइस्चराइजर। सो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ डॉटन की का दिस मॉइस्चराइजर। दिस इज डॉटन की 72 आवर हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर प्लस प्रोबायोटिक्स। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी ऑन माई फेस। दिस इज सो सूदिंग, सो कूलिंग यू गाइस, रियली गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज अ प्राइमर। आई एम गोइंग टू यूज पोर मिनिमाइजर प्राइमर फ्रॉम इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स, और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सो मैं लिप्स के ऊपर एक लिप बाम भी अप्लाई करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लिप्स काफ़ी ड्राई फील होते हैं एंड मेरा लिप्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई होता है। सो आई एम गोइंग टू यूज जस्ट ऑफ्स का टिंटेड लिप बाम इन द वेरिएंट बीट रूट। पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है लाइक दिस, एंड दिस इज अ न्यू परचेज। एंड इसका कलर जो है दैट इज लाइट पिंक, और एक हल्का सा पिंक का टिंट देता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द सेड 9, दैट इज ऑरेंज। इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अराउंड माई आईज, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल है, इस वजह से थोड़ा सा यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है। सो यहाँ पे भी थोड़ा अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा थोड़ा पिगमेंटेशन है इस वजह से, एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विथ माई फिंगर ओनली। अभी मेरा जो कलर करेक्टर है मैं इसको हल्का सा सेट करूंगी यूजिंग अ पाउडर। सो आई एम गोइंग टू यूज पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड आजकल मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आज मैं यूज़ करूंगी एक फाउंडेशन जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, दिस इज लॉरियल पेरिस ट्रू मैट सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन, और मेरा जो सेड है दैट इज गोल्डन बेस। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन। सो इसका मैं बहुत ही कम क्वांटिटी लूंगी, आई थिंक 3 pumps लूंगी। सो नेक्स्ट मूविंग टू कंसीलर, मैं यूज करने वाली हूँ कंसीलर फ्रॉम द सेम ब्रांड ओनली, दैट इज स्विस ब्यूटी। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज पॉन्ड्स का लूज पाउडर, और मैं इसको यूज करूंगी अराउंड माई आईज टू सेट माई कंसीलर। सो नेक्स्ट फॉर कॉन्ट्रोलिंग माई फेस आई एम गोइंग टू यूज अ शुगर कॉन्ट्रोल द फोर्स फेस पैलेट इन द सेट 01 सटल समिट। सो इसमें ये जो कॉन्ट्रोलिंग का सेट है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है, दिस सेट आई एम गोइंग टू यूज दिस। सो आई हैव गॉट 2 new blushes रिसेंटली फ्रॉम माइंड ग्लाम, दीज आर माइंड ग्लाम ट्रेजर 8 powder blushes। सो इनका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द सेड्स। सो दिस इज द सेड आई थिंक लॉयल्टी, या दिस इज द सेड लॉयल्टी, दिस इज अ पीची कलर। सो लव का जो सेड है मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लाइट न्यूड पिंक कलर। टूडे आई एम गोइंग टू यूज दिस सेड ओनली, दैट इज लॉयल्टी।
सो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हाफ एंड हाफ का ग्लो बेक्ड पाउडर हाइलाइटर। सो इसको मैंने लिया था फ्रॉम अमेजोन रिसेंटली एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये मुझे 200 रुपये के आसपास मिला, इतना कम प्राइस था। सो इस वजह से मैंने इसको ट्राई आउट किया है। तो इसका जो शेड मेरे पास इज 3 सो हॉलीवुड, मैं ये वाला शेड को यूज़ करूँगी क्योंकि दिस विल रियली मैच माई स्किन टोन, दिस इज़ अ लाइट गोल्डन कलर। इसमें थोड़ा चंकी पार्टिकल्स मैं देख सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्टिकल नहीं है, मतलब बहुत ही ख़राब नहीं लग रहा है, बट स्टिल देन आई कैन सी द पार्टिकल्स ऑन माई फेस। सो पर्टिकुलरली इस टाइप का जो हाइलाइटर हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी पार्टीज़, अगर हम जाते हैं टू एनी वेडिंग या एनी पार्टी, वी कैन डेफिनेटली यूज़ सच काइंड ऑफ हाइलाइटर जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। इसको हम आई शैडो की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने इसको लिया था फ्रॉम अमेजोन, दिस इज़ आई सेक कूल फ्रूट फीस 64 कलर्स आई सेडो पैलेट, एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये पैलेट है। सो इसका इन डिटेल रिव्यू आपको मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर, आप जरूर चेक कर सकते हैं इनकेस यू वांट टू बाय दिस। सो आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके का सेट्स हैं एंड इसमें 4 बोर्ड्स मिल जाते हैं लाइक दिस। दिस इज़ द फर्स्ट बोर्ड, दिस इज़ द सेकेंड जिसमें कि सारे ब्लू सेट्स हैं, ऑल पिंक एंड पर्पल टोन्स। सो लास्टली वी हैव ग्रीन, ये आप देख सकते हैं लाइक दिस। गो फॉर दिस ब्राउन कलर, ये वाला। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस डीप कलर। तो मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला जो सिमर सेड, आप देख सकते हैं इसका पिगमेंटेशन कुछ इस तरीके का है। सो इसको मैं यूज करूंगी ऑन माई आई लिड। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्लू आई लाइनर टूडे गाइज टू गिव अ पॉप ऑफ कलर टू माई आईज, एंड दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, दिस इज़ फ्रॉम ब्लू हेवन, ब्लू हेवन आई लाइनर वाटर प्रूफ। सो काजल के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सुपर फूड्स काजल फ्रॉम माइंग्लम, इसका जो शेड मेरे पास है दैट इज़ इंडिगो, दिस इज़ अ वेरी डीप पर्पल कलर। सो आई हैव गॉट टू वेरी अफोर्डेबल मस्कारास रिसेंटली। सो फर्स्टली आई हैव ब्लू हेवन लास्ट ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा इन द शेड ब्लू। सो ये कुछ इस तरीके का है, वाइब्रेंट ब्लू इसका शेड है एंड दिस इज़ द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अ वेरी ब्यूटिफुल पैकेजिंग। सो नेक्स्ट आई हैव मैट लुक फॉल्स लैसेस मस्कारा एंड इसका पैकेजिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ओ माई गॉड गाइज, इसका पैकेजिंग पर्टिकुलरली सो ब्यूटिफुल। सो मैं तो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक जो मस्कारा यूज़ करती रहती हूँ, सो इसको मैं और किसी ट्यूटोरियल में जरूर यूज़ करूँगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्लू मस्कारा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलरली। ओ माई गॉड गाइज, कैन यू सी माई लैसेस राइट नाउ, माई लैसेस लुक सो ब्यूटिफुल, बहुत ही ब्यूटिफुल वाइब्रेंट ब्लू कलर है, इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। डिसेंट वॉल्यूम मिला है मेरे लैसेस को एंड थोड़ा कर्लिंग इफेक्ट भी मैं देख सकती हूँ। सो इसका एप्लीकेटर में जो ब्रिसल्स हैं बहुत अच्छे से जो लैसेस हैं हमारे जो आई लैसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं एंड कोट करते हैं एंड बिल्कुल भी क्लम्सी नहीं है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। यू डेफिनेटली ट्राई आउट दिस, आई रियली लव्ड इट अ लॉट एंड इट इज सो अफोर्डेबल, ये आपको 100 रुपीज़ के नीचे मिलेगा ऑन अमेजन गाइस। नेक्स्ट मूविंग टू आईब्रोज, आई एम गोइंग टू यूज स्विस ब्यूटी का ब्राउ डिफाइनर पेंसिल इन द सेट डीप ब्राउन। सो एक्चुअली मेरे पास और एक सेट इसका है, आई रियली वॉन्टेड ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर सेट क्योंकि ये डीप ब्राउन कलर है एंड मेरे ऊपर इस तरीके का सेट्स काफ़ी अच्छे से सूट करते हैं, इस वजह से मैंने इसको ट्राई आउट किया है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कोम माई आईब्रोज लाइक दिस। माई आईब्रोज लुक सो वेल डिफाइंड एंड ये जो आईब्रो पेंसिल है यू वॉन्ट बिलीव इसका प्राइस है ओनली ₹69, मैंने इसको ₹69 में ही लिया है फ्रॉम अमेजोन। सो नेक्स्ट मूविंग टू लिपस्टिक, मैंने रिसेंटली लिया है मैट लुक का लिपस्टिक, दिस इज़ मैट लुक पावर लास्ट लिप स्टे ऑन क्रेयॉन, मेरे पास जो शेड है दैट इज़ 03 रोजी रेड, इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है। सो इसके पीछे एक शार्पनर भी मिल जाता है लाइक दिस, आप देख सकते हैं छोटू सा शार्पनर है और दिस इज़ ऑल्सो रिट्रैक्टेबल और इसमें शार्पनर भी दिया हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर, वाओ। कैन यू जस्ट लुक एट द पिगमेंटेशन ऑफ दिस लिपस्टिक, और ये जो लिप क्रेयॉन है ये टोटली मैट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम,
टोटली ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है, अ वेरी लाइट वेट फॉर्मूला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका फॉर्मूला पर्टिकुलरली। आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो। और ये जो ईयरिंग्स हैं इनको भी मैंने लिया था फ्रॉम अमेजोन ओनली, दिस आर ऑक्सीडाइज मिरबा की ईयरिंग्स, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, दिस आर वेरी लाइट वेट। नेक्स्ट आई थॉट ऑफ स्टाइलिंग माई लुक विथ अ ब्यूटिफुल स्लिंग बैग जो कि बहुत ही मुझे पसंद आया। सो दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड एस्ट्रिड, आप देख सकते हैं इसका ब्रांड का नेम यहाँ पे मेंशन है एस्ट्रिड। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल टेसल डिज़ाइन, दिस टेसल लुक सो ब्यूटीफुल, इट गिव्स अ वेरी वेरी ट्रेंडी और क्यूट लुक टू दिस बैग। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पम, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसका जो बेल्ट आप देख सकते हैं मतलब स्लिंग, ये भी काफ़ी अच्छा है और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, सर के से ओपन होता ही है। एंड इसके अंदर भी हमको एक पाउच मिल जाता है, स्पेस काफ़ी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही स्पेसियस है आप देख सकते हैं। पाउच का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, ये टोटली क्लॉथ मटेरियल का है, सो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। इस तरीके का जो बैग्स होते हैं गाइज, ये आप किसी भी आउटफिट के साथ जरूर कैरी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इंडियन अवेयर के साथ मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें क्लॉथ का डिज़ाइन है, थोड़ा एथनिक वाइब आता है। सो आई रियली लव दिस स्लिंग बैग ए लॉट गाइज, एंड यू कैन डिफरेंटली ट्राई आउट। इसका भी बाइंग लिंक will be there in description and in comment section as well. So I hope guys this video is really helpful and you really enjoyed watching this makeup look. Agar aapko is tarike ka aur videos dekhna hai mere channel ko zarur subscribe kijiye, is video ko zarur ek like dijiye and share kijiye if you really enjoyed watching this. और आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है glam_your_look। सो वंस अगेन आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग कॉन्टेंट फॉर यू ऑल, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।